और चर्चा करके संकल्प पत्र के जरिए पारित कर रहे हैं, हमें घोषणा करें कि मध्य प्रदेश के अंदर 8 और 9 जनवरी की हड़ताल न सिर्फ ऐतिहासिक होगी बल्कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छी हड़ताल करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। साथियों, चुनाव हुए, चुनाव के बारे में तमाम व्याख्याएं, मैं ज़्यादा कुछ उसके बारे में नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना आपके सामने रखना चाहते हैं इस कन्वेंशन के लिए जो उपयोगी है। अभी अखबार में छपा कि भारतीय जनता पार्टी ने 3,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के चुनाव में खर्च किया। 3,000 करोड़ मतलब 13 करोड़ एक विधानसभा क्षेत्र में, प्रत्याशी का पैसा अलग से। और कांग्रेस ने भी अगर कोई पैसा खर्च किया है तो उसके बारे में अंदाजा लगा कि 500 करोड़ उसने भी खर्च किया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 3,000 करोड़ और 500 करोड़ आपकी जेब से तो नहीं गया, आपके पास तो पैसा लेने नहीं आए वो, ये पैसा उद्योगपतियों को लगा, और उद्योगपतियों का पैसा लगाए तो जो सरकार बनेगी, जो सरकार चल रही है, 3,000 करोड़ रुपया जो खर्च कर रही है, इसका मतलब है उद्योगपति निवेश कर रहे हैं और उद्योगपति सरकार बनाने के बाद उससे मुनाफा कमाएंगे। हमें ये घोषणा करनी है, तुम्हारे पास नोट हो सकता है, नोट के जरिए वोट को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान के बैंक, बीमा, BSNL, तमाम कारखाने के लोग, सीमेंट, कोयला, NFL, ट्रांसपोर्ट, सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमें तय करेंगे कि तुम 3,000 करोड़ रुपया खर्च करके उद्योगपतियों के पक्ष में नीति लाओगे, हम 8-9 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान का चक्का जाम करके तुम्हें करारा जवाब देंगे और अपनी लाइफ आगे बढ़ाएंगे। और इसी साथियों, ये जो संकल्प सम्मेलन हमारा हो रहा है, कन्वेंशन जो हमारा हो रहा है, इसके सामने कई विषय हैं। आज तमाम सारे विषयों के बारे में हमारे साथियों ने अपनी बात रख दी, इसी मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। आज श्रम कानूनों की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में, चाहे वो सीमेंट के कारखाने हो, चाहे वो कोयला का क्षेत्र हो, चाहे वो सरकारी विभागों के हो, यहाँ तक कि सरकार के खुद के विभाग, उसमें आंगनवाड़ी, आशा उषा, मध्यान्ह भोजन कर्मी, आज इतना तो कर्मचारी है, न ये मानदेय कर्मी है, न ये वॉलंटियर है, इनको नहीं मालूम कि ये क्या है, और सरकार इनसे इतना काम करा रही है कि एक कर्मचारी की तुलना में भी कई 4 कर्मचारियों को उनसे काम करा रही है। तो क्या ये मध्य प्रदेश के अंदर कभी हमने कल्पना की है कि 33 रुपए रोज पर 9 घंटे कोई काम कर सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में मध्याह्न भोजन कर्मी 33 रुपए रोज पर 9 घंटे काम करने के लिए मजबूर है। आशा उषा 500, 700, 1,000, 2,000 रुपए में, यानी कुल मिलाकर उनको 100 रुपए रोज भी नहीं मिलता, और 100 रुपए रोज नहीं मिलता और खेत में काम करने वाले मजदूर की मजदूरी आज कम से कम 400 रुपया है। ये मध्य प्रदेश के अंदर मेहनत कश लोगों की जो स्थिति है, इसको बदलने की जिम्मेदारी हमारी ऊपर है। ये बात सही है कि हमारे संघर्षों के जरिए हमने भारतीय जनता पार्टी की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी जो चरित्र है उसको लोगों के बीच उजागर किया। ये हमारी कमजोरी है कि आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में हम किसी मजदूर प्रतिनिधि को नहीं पहुंचा पाए, ये हमारी कमी है। और इसलिए विधानसभा बनेगी, उस विधानसभा में हमारी आवाज रखने वाला कोई नहीं होगा। हमें इस बात को समझना है कि हम संघर्ष करते हैं नीतियों को बदलने के लिए, हम संघर्ष करते हैं मुद्दों के लिए, हमें संघर्ष करना पड़ेगा राजनीतिक रूप में भी। हमें यह तय करना पड़ेगा कि हड़ताल अगर हम करते हैं, कामयाब करते हैं, तो इस हड़ताल की कार्यवाही को इस ओर ले जाना है कि मध्य प्रदेश की 230 की विधानसभा में आने वाले दिनों में हो सकता है 1 चुनाव लगे, हो सकता है 2 चुनाव लगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनानी है कि मध्य प्रदेश में मजदूरों और किसानों के प्रतिनिधियों का बहुमत आए, ऐसी सरकार बने जो मजदूरों किसानों के लिए काम करे। ये जो हड़ताल है, इस हड़ताल के बारे में जो तमाम सारी हड़तालें, से गवर्नमेंट बैंक के साथी बीके शर्मा बोल रहे थे, बीमा के साथी बोल रहे थे, बैंक और बीमा बंद होगा, कोयला बंद होगा, NFL बंद होगा, मध्य प्रदेश के आंगनवाड़ी, आशा उषा, दवा प्रतिनिधि हड़ताल पर रहेंगे, ये तो हड़ताल, मंडी के हमाल हड़ताल पर रहेंगे। अब जिन जगह पर, नई जगह पर हम कामयाब हुए, ट्रांसपोर्ट के साथियों ने पिछले 2 बार जबरदस्त हड़ताल करके दिखाया कि मध्य प्रदेश के अंदर ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों की ताकत है, तो ट्रांसपोर्ट भी हड़ताल पर जाएगा। इस हड़ताल को किस रूप में करेंगे ये तो हम तय करेंगे, लेकिन इतिहास क्या बता रहा है, आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले जो हड़ताल हुई उसमें 15 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, उसके बाद जो हड़ताल हुई उसमें 18 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, और अब जो हड़ताल हुई 8-9 जनवरी को, उसमें पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं हिंदुस्तान के 20 करोड़ से ज्यादा लोग इस हड़ताल में शामिल होने वाले हैं।
अगर 20 करोड़ लोग हड़ताल में जाएंगे तो जो चक्का जाम कर सकता है, हमें इतना ही समझना है कि अगर चक्का जाम कर सकता है 20 करोड़ नागरिक, 20 करोड़ मजदूर, 20 करोड़ किसान, तो आने वाले समय में राजनीतिक रूप से भी परिवर्तन कर सकता है। और मई में हमें उस अपनी ताकत को दिखाना है। अभी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो झांकी दिखाई है अभी तो पूरी बाकी है। अभी मई में हमें पूरा दिखाना है कि तुम अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लाओगे, मजदूर के लिए 2 साल का काम लाओगे और उसको अगर परमानेंट नहीं करोगे तो मोदी जी तुम भी 5 साल के फिक्स टर्म के कर्मचारी की तरह ही मध्य प्रदेश संसद से चले जाओगे। यह हमें दिखाना है साथियों। और इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस टर्मिनेशन के बाद इसमें जो कार्यक्रम घोषित किया गया है उस कार्यक्रम को आप अक्षर से लागू करें। आज मध्य प्रदेश के चुनाव के चलते हमारी हड़ताल की तैयारी थोड़ी कमजोर रह गई, चुनाव में लोग लगे हुए थे, लेकिन आज से भी हमारे पास 23 दिन है। 10 दिन जब दुनिया उलटी एक किताब थी, रूस के जो मजदूरों ने क्रांति की वो 10 दिन के अंदर उथल पुथल मचा के पूरी दुनिया के इतिहास रच दिया था। तो हमारे पास 23 दिन है, इन 23 दिनों के अंदर हमें पूरे मध्य प्रदेश में तैयारी करनी है। और जो कार्यक्रम घोषित किया गया है 6 जनवरी को मध्य प्रदेश में ऐसे ऐतिहासिक मसाल जरूर निकलने चाहिए कि पूरी सरकार जो गई है और दिल्ली में बैठी है वो तो चमक ही जाए, जो आए हैं उन्हें भी समझ में आ जाए कि जो कहा है वो करो, वरना ये मसाले जल गई है, मसाले आगे आने वाले दिनों में चल के नहीं छोड़े जाएंगे। इसे मित्रों, आप सब साथी यहाँ आए, सारे संगठनों की एकता कायम हुई है। ये एकता कन्वेंशन के हॉल में एकता बनाने का काम नहीं चलेगा, इस एकता को हमें मजदूर की एकता में तब्दील करना पड़ेगा। और इसलिए इस बात पर ज्यादा गौर मत कीजिए कौन बोल रहा है, किसका नाम आ रहा है, किसका फोटो छप रहा है। अरे नाम आता रहेगा, नाम जाता रहेगा, अखबार छपते रहेंगे, फोटो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, याद रहेगा। तो 8-9 जनवरी की ऐतिहासिक हड़ताल अगर कामयाब बनाई तो ये इतिहास में दर्ज होगा। हमारा आपका काम है इतिहास में दर्ज करें और नए युग को शुरुआत करने के लिए आगे बढ़े। मैं आप सबसे एक बार फिर अपील करता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भौगोलिक व्यापकता है, उस भौगोलिक व्यापकता के आधार पर तमाम सारी जो कार्रवाई है, मीडिया हमें नहीं छापेगा। लेकिन मीडिया को अगर हमने मजबूर किया तो निश्चित रूप से मीडिया छापेगा। इसलिए हमें अपनी लामबंदी हड़ताल के बाद, हड़ताल करने के बाद छुट्टी मनाने की जो परंपरा है उसे थोड़ा बचना होगा। हड़ताल के बाद सड़क पर उतर के मजदूर के बीच में, जनता के बीच में व्यापक रूप से जाना होगा ताकि हड़ताल का संदेश जा सके। इसलिए बीके शर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं बीके शर्मा जी की बैंक के साथियों के बारे में, बैंक के साथी तो फिर भी बहुत हड़तालें करते थे, सभी साथियों से आग्रह है कि आपस में समझ में मना के जिलों में, कस्बों में, तहसीलों में किस तरीके से इसको जन कार्रवाई में तब्दील किया जा सकता है उसको करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस प्रस्ताव को पारित करेंगे और 8-9 जनवरी को मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।